हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। मैं आज आपके लिए विदाउट फायर कोकोनट रोज़ बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, रक्षाबंधन स्पेशल। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये टेस्टी भी बहुत बनती है। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए मैं एक बाउल में 3 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लूँगी। इसमें मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें से 1 पार्ट में मैं 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर बर्फी के लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। दूध जितना ज़रूरत हो उतना ही डालें। हमारी बर्फी की 1 लेयर के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है और थोड़ा सा दूध बच भी गया है। अब हम 2nd लेयर के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें हम रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में अपनी ही मिठास बहुत होती है। इसे भी धीरे धीरे बीच में डालें और मिक्स करते जाएँ। बर्फी की 2 लेयर्स के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब मैं एक मोल्ड लूँगी, जिसे मैं घी से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इसके बाद हम इसमें एक बटर पेपर रखेंगे और उसे भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। अब हम मिक्सचर को मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे और इसकी 1 लेयर लगाएंगे। हमारी 1 लेयर बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम रोज वाली मिक्सचर की लेयर भी लगा देंगे। स्पैचुला की हेल्प से मिक्सचर को इवनली स्प्रेड करते हैं। 5 मिनट्स के लिए जो मोल्ड है उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं। हमारी बर्फी अब अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके ऊपर हम सिल्वर वर्क लगा देंगे और पिस्ता से हम इसको गार्निश कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं। हम इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। वो आपकी मर्जी है, चाहे इसको डायमंड शेप में बनाएं या स्क्वायर में बनाएं। अब हमारी जो कोकोनट बर्फी है वो सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।